आदमी की बड़ी विशेषताएं हैं। इस उम्र में अगर आदमी को यह समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, आप इस आदमी की सोच देखिए। सोच मेंस के समय इस आदमी का पैर टूट गया, जज्बा देखो यार। इस आदमी ने बहुत लोगों को आशा दी, आशा कि भैया हम भी कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, मैं आज जब कल पुणे पहुंचा तो मेरे दो स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र कैडर में, एक वरुण, उसका भी इन्हीं के बैच में सिलेक्शन हुआ। तो उसने मुझसे कहा सर आपने मुझे नहीं बुलाया। एक आईएएस है, उन्होंने कहा कि सर ये तो बेईमानी है सर। और दोनों लोग आए हैं पर यहाँ नहीं आए हैं, भाई ऑफिसर हैं तो प्रोटोकॉल नहीं आ सकते। तो बोले आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया? बुलाने के लिए तो खैर पूरी दुनिया पड़ी होती है, लेकिन इस आदमी की बड़ी विशेषताएं हैं। पहली, 22 साल। इस उम्र में अगर आदमी को यह समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, ब्लेसिंग। दूसरी विशेषता, अकबर है ये। अभी मैंने बाहर नेपोलियन कह दिया था, फिर मैंने अमेंड किया अपने आप को कि नहीं नहीं अकबर है, हमेशा जीता। नेपोलियन तो बाद में हारा, नाम उसने भी बहुत कमाया। तो मैंने इनको अभी सुबह कहा कि तुम नेपोलियन हो, फिर मैंने कहा नहीं नहीं अकबर। आप इस आदमी की सोच देखिए। सोच मैं तो इतना भी नहीं बोलना चाहता था, मैं चाहता था यही आपसे बोले। दूसरी बात, मेंस के समय इस आदमी का पैर टूट गया, जज्बा देखो यार। मेरा ऐसा नहीं कि मैं कोई आईएएस बन गया तो मैं उसे ना जाओ, पर इस आदमी से मेरा एक विशेष कुछ है। लोग ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं से, ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा एक बड़ा विशेष लगाव है। उसके पीछे ये नहीं कि आईएएस बन गए मैं इनसे कल बोलूंगा मेरा काम कर दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मालिक ना करे मुझे कभी इनसे कहना पड़े, लेकिन लगाव है। इसलिए कि इस आदमी ने बहुत लोगों को आशा दी, आशा कि भैया हम भी कर सकते हैं। नहीं तो आदमी इतना बहाना बनाता है। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, चपरासी हैं बैंक में, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद। मैंने कहा चाचा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले हमारे पापा ने हमको साइकिल खरीद के नहीं दी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बहाने बनाना। सैफिन में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे। हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे, तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10-10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला बाहर पढ़ने के लिए, मैं दिल्ली आया, फिर और पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ी। मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, पैसे तो थे नहीं घर में, तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बच्चे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाने खाएंगे कैसे? अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो भाई कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। चपरासी बन गए सरकारी SBI में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं तो 45,000-50,000 तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच के देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है आपका? तो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। अपने किसी को चाटा मारा हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दूं भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है,
जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं वो भाग गए हैं, तो आप जरा आगे पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें। फिर पढ़ाने लगा, तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मैंने एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो IAS हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे, वो बड़ा अजीब सा लड़का था, मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो, कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊँगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा, मैं उसे लेकर आऊँगा, मैं उससे मिला, उससे भी मिलाऊंगा कि देखो ऐसे लोग। दिशा पहली चीज मैंने आपको बताया समझना, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है, दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है, द्रोणाचार्य प्रोफेसर, स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए, लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ कृष्ण, वो कोच है, इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम हिंदुइज्म जिसने, सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग, कहते हैं सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी, दूसरी चीज किसी भी फील्ड में जा रहे ना उसका डायरेक्शन पता करिए। मैं हम सैफिन की बात कर रहे, फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ाया, मैं बाद में वाजीराम में आ गया, वाजीराम में 20,000 लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है, कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे, जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20,00,000 की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान, भगवान सैफिन आए, अम्मी इनकी नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये, ऐसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी, वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। ये बात अपनी जिंदगी में रखिए, फक्र किसी भी बात पर, किसी भी बात पर कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है, मुझे कहते हैं वो। मैंने कहा पता क्यों सुनता है, क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूँ ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूँ कि तेरी मर्जी से खा रहा हूँ। मालिक की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शुक्रिया। ICU में जाके देखो, ICU जाना, ICU कभी ICU जाओ हॉस्पिटल के, वहाँ लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो ICU को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे, और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा, जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा, और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया।
यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा, यार 13 घंटा पढ़ाए और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रोग आगे। अब 5 बजे उठ रहा हूं, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने। पतन की ये 2 निशानियां हैं, एक तो उसे नींद बहुत आती है। देखो सुबह उठे हो कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। शुरुआत धीरी करो, सिर्फ एक आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बंदा है। नहा वहा के बैठना है, नहीं नहीं कि जमाई लिए जा रहे हैं अंदर ही। तुम देखोगे ना जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है, शांति। हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ 2 चीजें बहुत होती हैं, एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये 2 निशानियां हैं, एक तो कलह और दूसरा नींद। देखो सुबह उठे हो कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का, यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो, निराशा किस बात की है? ये हार जाएंगे, हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये हार शब्द, ये बेइज्जती शब्द, इन शब्दों को शाही वर्ग ने इजाद किया है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए। किसी को डरा ले जाओगे तब वो काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना। कुछ शब्द ऐसे हैं, हारना, बेइज्जती, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बड़बोलापन, खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं, करोगे तभी तो दिमाग में रोटेट करेंगी। ये शब्द शाही वर्ग ने इजाद किया है। राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इतने लीडरशिप इतने दिन से कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं सत्ता में ला पा रहे हैं, मरे थोड़ी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नित नए प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी खुद ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं। ये सारे शब्द इजाद किए हैं शाही वर्ग ने हमको तुमको रेस से बाहर रखने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। तुम दूसरे को भड़काने में आ रहे हो, और कमजोर व्यक्ति हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहा सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, यार गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्त्र हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो बाजार में, कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है, ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं एलमंड सोप लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, एलमंड तेल लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली, और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कोई हार वार नहीं होती। जीवन में सिर्फ एक आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी छोटी सी बनाओ, बहुत बड़े बड़े मन का काम है बड़ा बनाकर उसको कर ही ना पाना। योग शुरू किए, पहले दिन 3 घंटे कपालभाति कर दिए, किडनी पलट गई, आईसीयू भर्ती, कि ओझा सर कहे थे कपालभाति करने से दिमाग बहुत बढ़ता है। शुरुआत धीरे करो, लेकिन मन कहता बड़ा, और तुम सुबह उठते हो तो मन क्या कहता है, यार 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रोग आगे।
चाय वाय बना के कि बहुत मन बोझिल है, वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा है 14 घंटा, वहां बोर नहीं होता? वहां तो मनाता है कि भगवान रात ना होती तो बड़ा मजा आता। तुम अपने ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? मन तुम्हारा 24 घंटे तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये जो मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रतिपल, इसको देख लेना ही ध्यान है। जिन चीजों में तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचते हो? भगवान कृष्ण को पता था कि मम्मी पापा जेल में बंद है, हम अभी ना छोड़ा पाएंगे, तो नाच रहे थे गोकुल में। आपको कहा बहुत बदतमीज लड़का है यार, अम्मा वाके अम्मा पापा बंद है, वही नाचा था। स्थिति प्रज्ञ, अपने समय में जी रहे हैं। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बंदा है। इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व तो बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। बैलेंस रहो, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। जो सामान्य दिमाग है ना, तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। आप में से बहुत सारे लोग, भाई हमारे, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, उनको लगता होगा मुझे कौन पढ़ाएगा यार, मुझे कौन बताएगा। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। अभी प्रीलिम्स का बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, मेंस का बताएंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने दो, अभी डायग्राम बना बना बताएंगे, पढ़ो, हमसे सीखो और अपना विकास करो। 501 रुपए में 2 घंटा समय दे रहा हूं, और जब दिसंबर की भयंकर ठंडक शुरू होगी तब 4 बजे पढ़ा जाएगा, 4 से 6, और मां बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद। 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने, कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब मां बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर, और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है, आशीर्वाद का खेल देखो। जितने लोग लड़ना जानते हैं किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। जितने लोग लड़ना जानते हैं किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं, मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे IAS का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे तो 10 साल PCS का अटेम्प्ट बचा हुआ था, मतलब 10 अटेम्प्ट PCS के बचे हुए थे। तो अगर मैं PCS का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता, इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से, और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है,
लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वह संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। कल एबीवीपी का एक प्रोग्राम था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करने जा रहे हैं 24 में। हमने कहा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। पैसा? मैंने कहा आ रहा है। कहां से? हमने कहा सब पूछ के बंद कराओगे? कहां यार, सब यही पूछ लोगे। कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं से। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है, डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इससे कुछ बोल के, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा, 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की। वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस, तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो, ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुरसेन की एक नॉवेल है, वैशाली की नगर वधु। अजात शत्रु था ना मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है, बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुरसेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, दो स्टॉल है, एक लोक साहित्य प्रकाशन का। इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती। जीवनियां पढ़ डालो। जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। अगर राजा बनने से समस्याएं खत्म होती तो सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर क्यों भागते? बुद्ध? अगर राजा बनने से सारी समस्याएं खत्म होती तो वर्धमान जंगल में क्यों भागते? समस्या तो खत्म ही नहीं होगी। जब तक इस धरती पे हो, दो कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती। एक, हरिद्वार चले जाओ। ये जो महायुद्ध चल रहा है जीवन का, इससे तुम बाहर हो जाओ। पब्लिक से कह दो कि भैया हम नहीं लड़ रहे, ये तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहे, इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो। तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि ये जनता का भला करेंगे। तब तुम चिल्लाओगे कि ये कौन कर रहा है? और वो कोई तुम्हारा बहुत करीबी आदमी होगा। जब भी तुम बाहर जा कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ, ये बटन तोड़ लो आगे वाली दो, एक में लाल चप्पल एक में व्हाइट पहन लो और पेन ऐसे लगा के और कॉपी लेके घूमो, तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे।
कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर तुम नेम प्लेट बनवा लो, यहां लगा लो डीएम गाजीपुर, उसका फायदा पता क्या है, तुम जिससे भी 150 मांगोगे तुम्हें दे देगा। तुम जब ऐठन दिखाते हो ना अपनी कि मैं तो ये कट डालूंगा, तब समाज तुम्हें क्रश करने की कोशिश करती है। जब तुम दिखाना चाहते हो कि मैं, तब उसको लगता है रुक बताते हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान करते। समस्याएं कभी नहीं खत्म होती, उनका रूप बदल जाता है। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आजकल टीचर कुछ बोल देता उसको नौकरी से ही निकाल देते हैं, हमको नहीं निकालेंगे। जब भी तैयारी करो ना, तैयारी का मतलब ये जो तुम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पहली गलती जो तुम सबने करी है, अपने जिंदगी से मोबाइल को निकाल। देखो हम बोल रहे हैं मोबाइल बंद, हम जब क्लास, अभी तो खैर मेरे जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्लास में जाता हूं, तुम कभी भी मुझे क्लास में मोबाइल के साथ नहीं देख सकते। फर्स्ट ईयर में, इंडस्ट्री में, क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? इंग्लिश और संस्कृत? नहीं कुछ पूछेंगे नहीं, तुम तो टेंशन में आएंगे, मास्टर बेइज्जती करेगा। शिक्षक को कुछ काम नहीं करने चाहिए, एक तो स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहता हूं, दूसरा उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, अकेले बुला के पीट ले कमरे में, अकेले बुला के बता दे कि तुम भीख मांगने काबिल हो, पब्लिकली ना कहे। एक साहब मेरे साथ रहते हैं, 2 दिन से गायब थे, और फोन मिला के उनको परेशान हो गए, हमका परेशान हो रहते कि परेशान हो जाएंगे। से किसी पैसा उधार दे दो, फोन नहीं उठा रहा, तो उसको मिलाने में बहुत मजा आता है, तुमको पता ही ये नहीं देगा, लेकिन मजे क्यों हो जाए। कि भैया 22 अगस्त को पैसा दे देंगे, तो तुम 22 अगस्त को उसको फोन मत मिलाओ, 23 की सुबह मिलाओ, 23 अगस्त की सुबह मिलाओ, और अगर ना उठाए तब हर 4 घंटे मिला लो, कुछ नहीं करना, उसको कोई मैसेज नहीं करना, धमकी नहीं देना, पैसा तो मिलेगा नहीं, कम से कम मजा तो मिले, क्योंकि जितनी बार तुम मिलाओगे वो हिलेगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि तुम पैसा मांगो, अब सलमान है इनका 5,000 रुपया हमको देना है, ये फोन उठाते हैं, हम उठाते ही नहीं, अभी कहीं सुने होंगे हमारी इस बात को तो ये हमारे ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि सर को मिला। खैर तुमने जो सबसे पहली गलती की, सबसे पहली इलाहाबाद ने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रयागराज जो पढ़ने का उद्देश्य है, एक उद्देश्य है पढ़ना का उद्देश्य क्या है? सीखना, ये उद्देश्य है ये। अब जब तुमने ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था पढ़ी तो क्या सीखा? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी ना, ऋग्वैदिक काल पढ़ा होगा जीएस में, तो जब तुमने ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ी तो क्या सीखा? सब नोट करते चलना, ये पहली गलती प्रयागराज ने की, उसने पढ़ाई को रटना बना लिया, बिना जागरूकता के से की गई मेहनत मजदूरी कहलाती है। कौन सी मेहनत? बिना जाग के हम क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिना जागरूकता से की गई मेहनत क्या कहलाती है? अब जब तुम ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, तो तुमको पता चलेगा कि कैसी अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है। कैसी है? भरण पोषण अर्थव्यवस्था है। रिक्शे वाले की अर्थव्यवस्था है, 400 रुपया डेली कमाएगा और 400 उसका डेली खर्चा। अब ये जो भरण पोषण अर्थव्यवस्था का व्यक्ति है, ये टैक्स दे सकता है?
ये कर नहीं दे सकता, ये कर नहीं दे सकता। अब बिना कर के राज्य संभव है तो ऋग्वैदिक काल में तुम्हें क्या मिलेगा? कबीला मिलेगा, कुरु कबीला, राज्य नहीं है। अब यहीं पर अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद तुमने जो सबसे पहली बात सीखी कि बिना कर के राज्य, ये पहली बात करो यार, फिर से रिवाइव करो इसको। तुम लोग, तुम बस पढ़े जा रहे हो, तुम सीखना चाहते ही नहीं, तुम रुकना नहीं चाहते। कितनी बड़ी गलती तुम कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, रो रो के पढ़ रहे हो, मजबूरी में पढ़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। ये तुमने पूरा खेल ही खत्म कर दिया, इसीलिए तो तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है। जब कोई काम करने से अंदर परिवर्तन तो इंटरेस्ट पैदा होगा? कभी नहीं होगा, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है। अब तुमको इसको पढ़ने के बाद क्या हुआ? तुम अफगानिस्तान की तरफ नजर दौड़ाओगे कि यार यहां सेना नहीं है स्थाई, यार यहां प्रशासन नहीं है, यहां की करेंसी क्या है? अफगानिस्तान की करेंसी का नाम बताओ। रूबल। रस्सी लाए हो गई बांधे इन्हें और क्या करें। और अमेरिका की करेंसी डॉलर, पता है सबको। अब यहां करेंसी हो ही नहीं सकती, भरण पोषण अर्थव्यवस्था जो है, भरण पोषण। रिक्शा वाला आईफोन खरीदेगा? रिक्शा वाला दाल खरीदेगा, चावल खरीदेगा, दवा खरीदेगा? रिक्शा वाला हीरा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। यहां करेंसी हो ही नहीं सकती, यहां करेंसी का सवाल ही नहीं उठता। संभव है? तुमने पढ़ने के साथ सीखना छोड़ दिया, इसलिए तुम सब लोगों के लिए पढ़ाई बन गई अभिशाप, मजबूरी, तनाव, दबाव, प्रेशर। भैया कोई बना दे, कौन बनाएगा? मत जो किसी को कुछ बना दे तो भगवान खेल हो जाएगा। जिस दिन इंसान किसी को कुछ बनाने लगेगा तो सबसे पहले तो अपने घर को बना ले जाएगा। जैसे आज भारत में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, वंशानुगत प्रजातंत्र, एक नई तरह का प्रजातंत्र है डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। कोई एक परिवार नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों का भारत में उठा के देख लो। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आजकल टीचर कुछ बोल देता है उसको नौकरी से ही निकाल देते हैं, हमको नहीं निकालेंगे। ये तो श्री यथार्थ मेरा वेंचर है इलाहाबाद, ये मेरी संस्था है। हमने सुना बहुत लोग कह रहे थे कि वो हम आते नहीं, हम हर महीना एक हफ्ता यहां रहते हैं। इस महीने मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर पे था, अभी भी वो मेरे साथ दिल्ली में है, इसलिए इस महीने नहीं आ पाए। हर महीने मैं इलाहाबाद में एक हफ्ते रहता हूं, चाहे मेरी क्लास शेड्यूल है या नहीं है, ये मेरी संस्था है। हालांकि हमसे बहुत लोग कहते हैं कि मत बताया करो, काहे ना बताएं। चलिए, भारत में सामंतवादी मानसिकता नहीं खत्म हुई, सामंत तो खत्म हो गया, सामंतवादी मानसिकता नहीं खत्म हुई। अब ऊबर की कैब में जो आदमी बैठता है ना, वो उसके ड्राइवर को अपना ड्राइवर समझता है, वो तुमको सर्विस दे रहा है, तुम उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। हम लम्बरदार हैं, हम सड़क पे लिटाक चढ़ा देंगे तुमको, तुम लम्बरदार अपने घर में हो, कायदे से बैठो। यहां सामंतवाद खत्म हो गया, सामंती मानसिकता आज भी जिंदा है। तुम देखो ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं, यहां बॉडी लैंग्वेज बताते थे, ऐसे खड़े हैं तो देख के ही लग जाता है कि भैया ये लम्बरदार है। खाना लगभग सभी लोग बनाते होंगे, सुबह रोटी बना लो
कम से कम 15, 20 और शुद्ध सरसों का तेल ले आओ घर से, घी अवेलेबल है तो और अच्छा, पर जब भी भूख लगे पर घुमा लो उसको पटाक से, तेल नमक प्याज, जब तुम्हें लग्जूरियस खाना खाना हो, दोपहर में एक टाइम बढ़िया खाना, दाल चावल वही तो पहले खाते थे वैसे आज भी लोग खाते हैं, संडे में एक आध दिन तुम कभी बना लिए बढ़िया तो अच्छी बात है, खाने का थोड़ा ध्यान दो, रात में कोशिश करो हल्का भोजन करो, इसको रात में काम मत करने दो, इसको भी सोने दो, किडनी लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी इंटेस्टाइन इनको भी सोने दो, इनको भी आराम करने दो, बचे 14 घंटा, अब 14 घंटे 4 घंटे यूनिवर्सिटी हो, 4 घंटा वो चला गया, अब बचा 10 घंटे, अब उस 10 घंटे में तुमको यूनिवर्सिटी का भी काम करना है और तुमको तैयारी भी करनी है, बस उसी 10 घंटे का चार्ट बना, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी को निग्लेक्ट कर दो, पढ़ने मत जाओ, एकदम जाओ यूनिवर्सिटी, एकदम जाओ क्लास करने जाओ, बहुत सारे तुम्हारे इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, उनके विचार सुनो, सब इसीलिए आए ही, तो पढ़ने जाओ, लेकिन उस 10 घंटे को तुम मैनेज करो कि उसका चार्ट बना लो कि अब मुझे क्या करना है। और चूंकि बहुत सारे लोगों ने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ दी है और सिविल सर्विस पूरा ह्यूमैनिटीज पे केंद्रित है, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा, तो ह्यूमैनिटीज की तैयारी कर डालो, ठीक, कल मुलाकात हो। 2 घंटे आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है, तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। C is equal to C, conquest is equal to consolidation। मराठा भारत में साम्राज्य क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कब लड़ाई लड़ी, जीते, चौथ लिया, वापस, इसलिए कभी साम्राज्य बने ही नहीं। मुगल, उन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया, तुमको भी पढ़ाई में इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, और ये चैलेंजिंग है, पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, हजम करना, पेट है, ये दोनों पेट हैं। दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है, 2.5 किलो लंच कर लिए, और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए, कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाए। 2 घंटे आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है, तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पर चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे, तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। तो जब तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा मन उस चीज को हजम करना चाहता है, तो कहता है भैया थोड़ा सा, तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है, वो नींद नहीं है। बाकी नींद पूरी रात में, और कोशिश करो कि 10 बजे से लेकर मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक सो जाओ, 4 बजे तक, जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में, कैसे भी, रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कैसे भी, कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी, नींबू लिया उसमें लाल रंग भर के चाकू से काट दिए, हमारे कमरे में जो है ब्रह्म बाबा आते हैं, अगल बगल वाला कोई आएगा ही नहीं, सो आराम से, हजम करना, हजम, यहां डाइजेस्ट करना। इसलिए जब तुम किसी आदमी को मिलते हो जिसको गीता याद है, कुरान याद है, बाइबल याद है, तो तुम बहुत अचंभित होते हो कि कैसे भैया यहां एनसीईआरटी का एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है, तो क्या तुम्हारी क्षमता कम है? नहीं, एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान, उसने क्षमताएं सबको बराबर भी दी, उसने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। मोती झील में 2 तरह के लोग आते हैं, एक 5 से 11, एक 11 से 5, नहीं, एक 5 से 11, हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है, और एक 11 से 5, वो न्यूटन वाले लोग आते हैं, वो कान में बताते रहते दूसरे को कि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा,
बॉडी एड्रेस विल बी एड्रेस तो धक्का उक्का देके समझाते रहते हैं। वो पढ़ने आते हैं, वो आप ऐसा मत समझिए वो बदतमीजी करने आ रहे हैं, बहुत कंसेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं पर रिजल्ट ही नहीं मिलता। वो 11 से 5 वाले परेशान है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, इतना मारेंगे ना जूता से तुमको, मरना पड़ता है मरना। एजुकेशन का एक ही सिद्धांत मैं तुमको बार बार क्लास में कह चुका हूं, एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 16 साल पढ़े हैं, फिर तुम्हें कोचिंग भी करना पड़ रहा है, तो अब तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो। तुमको पता है कि एक जबरदस्त रिफॉर्म भारत की एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। यहां कोई बच्चा बैठा हुआ क्लास में, सब पाषाण काल के लोग हैं, सब एक दो बच्चे बैठे होंगे, बाकी सब स्टोन एज प्री पैलोलिथिक वैलिथिक के हैं सब। ये बेचारे वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि यार बताओ ये सब हम क्या पढ़े थे यार, सब मॉडर्न इंडिया पढ़ के बैठे इसमें 10-12-15 लोग, अब ये सन्नाटे में, ये हम भी कुछ पढ़े थे लेकिन नहीं, सब ये सब तो कहीं दिखा नहीं, लिखा था तुम्हारी आंखें गुजर गई ऊपर से, वो किताब तुमसे चिल्ला रही थी कि भैया सुन लो भैया, अरे तुमने कहा बाद में सुनेंगे यार अभी टाइम नहीं। और तुम्हारा वो हाल हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तुम मेहनत भी कर रहे हो जिंदगी भी कमा रहे हो और तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है, कॉम्पिटिटर हो तुम, घर से तुम्हारे 5-7 हजार 10 हजार रुपया आता होगा, तो ना तुमको खुदा मिल रहा है ना तुम जीवन जी पा रहे हो और सनम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, जल तो तुम बहुत रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं जल रहे हो, जल बहुत रहे हो लेकिन कोयले की तरह जल रहे हो, राख बन जा रहे हो। स्कूल की एजुकेशन का मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाए, तुम सोचने लगो कनेक्ट करने लगो, ना तुम कनेक्ट करना सीख पाए ना तुम सोचना सीख पाए, तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या था, और डर तुम अलग से गए, जातिवादी हो गए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, लेकर रैली निकली थी ठीक है। तो शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार, इतना बैग लेके लड़के क्लास में जाते हैं क्या फायदा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल में फर्क ही नहीं पता, क्या फायदा, क्योंकि यहां के लड़के मेहनत करना बहुत जानते हैं, उनसे मेहनत चाहे जितनी करा लो और डायरेक्शन पा जाए तब तो और करें, क्योंकि सब मिडिल क्लास के घर के हैं, किसान के घर के हैं, कोई बहुत रईस तो है नहीं। जब तुम स्टूडेंट को जाति के आधार पर मारते हो तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब तुम उसे मारते हो क्योंकि तुम उसका भविष्य बनाना चाहते हो तो उसे दर्द नहीं होता। तुम अपने पिता लोगों से पूछो, माता से पूछो, कभी उन्होंने किसी टीचर की बुराई की, क्योंकि वो इसलिए मारते थे क्योंकि आपका भविष्य अच्छा चाहते थे, वो इसलिए नहीं मारते थे कि तुम अलग जाति के हो अलग धर्म के हो। और जब काम नहीं कर पा रहे हो होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, हम स्कूल में क्यों अच्छा परफॉर्म करते थे, क्योंकि टीचर होमवर्क ना करने पे पीटती थी, यहां कोई होमवर्क ना करने पे पीटने वाला नहीं है। और होमवर्क मतलब कंसोलिडेशन फीडिंग, तो वही चीज तो बाद में एग्जाम में आती थी, तो जिसका होमवर्क मजबूत रहता था उसके अच्छे परसेंटेज आते थे, वही हाल यहां भी है। जो होमवर्क का जैसे टीना दाबी है उसकी मां क्या है, रिजाइन कर दिया नौकरी से, होमवर्क कराती थी दिन भर बिठा के, बेचारी खुद बैठी रहती थी। तो एक बहन का 1 रैंक दूसरी बहन की 15 रैंक, क्योंकि एक होमवर्क कराने वाला आदमी था ना। एजुकेशन मतलब E = E, एजुकेशन यानी एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट यानी आपको दो चीजें आ गई स्कूल खत्म होने के बाद, एक कनेक्ट करना आ गया, आपने कनेक्टिविटी सीख ली। अब देखो ये कनेक्टिविटी का ही तो सिद्धांत था कि 1816 तक इन लोगों ने कब्जा किया, अब इन्हें क्या करना है कंसोलिडेट, तभी तो ये नीतियां बनी। कौन सा वर्ग खुश हुआ, सोशल रिफॉर्मर, कौन सा वर्ग खुश हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कौन सा वर्ग खुश हुआ, सारे वर्ग खुश तो हो गए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के समर्थक बन गए, कंसोलिडेशन हुआ। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन, बस इसमें रटना क्या है। पर तुम ये चीज सीखे ही नहीं स्कूल से कि यार ये भी कोई चीज होती है। अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए, बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर कैसे जीतेंगे सर, सारा खेल मन का है, बेहोशी में
उस आदमी के पास इतना जज्बा है कि एक 47 लेकर वो यमराज के सामने खड़ा है। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। वो बाबा रामदेव ठीक है, बहुत लोग बाबा रामदेव को गाली देते हैं, लूट लिया लूट लिया। अरे भैया लूट लिया चलो ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर हमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है, अबे तुम आधे अटेम्प्ट में निकाल लो यार। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। अब सर कुछ चीजों से डर तो लगता है सर, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत लगता है सर। और तीन तरह के मन है, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते सर, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है। जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। और कृष्ण तो परम अवतार है ही सर। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है, शिक्षा इंफॉर्मेशन देती है बस। शिक्षा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा की बात होती है? नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे बस। उनसे ज्यादा ज्ञानी थे वीडी सावरकर, अंबेडकर, बोस। लेकिन पंडित नेहरू भारत के और विश्व के एक सफलतम नेताओं में से एक हैं। क्यों? समझदारी है। ये ध्यान का गिफ्ट है। जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर हमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है, अबे तुम आधे अटेम्प्ट में निकाल लो यार। नहीं नहीं नहीं, आधे में ना निकालेंगे, पहले में निकालेंगे। हाँ तो निकालो, हम रोके नहीं, तो हमको पहले में निकालना है। आप बताओ हम क्या करें। अच्छा बताओ कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो जो मकान के आगे बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है वो जो मिलाते हैं क्या? नहीं नहीं, क्या कहते हैं वो जो मिलाते हैं? अरे सरकार इंपेशेंट मत होइए, आपको आईएएस बनना है ना, आप बनेंगे। पहले बेस तो मजबूत कर लीजिए सर, थोड़ा धैर्य तो रखिए सर, थोड़ा अपना मूल्यांकन करिए सर। वो बाबा रामदेव ठीक है, बहुत लोग बाबा रामदेव को गाली देते हैं, लूट लिया लूट लिया। अरे भैया लूट लिया चलो ठीक है, एक अच्छी चीज वो आदमी पूरी दुनिया को सिखा रहा है, योगा, वो आप उससे ले लीजिए। बाकी आपको उसका एलोवेरा नहीं खरीदना है, मत खरीदिए। नहीं नहीं बाबा जो है बेवकूफ बनाता है, तुमको क्या बनाएगा, तुम बने हुए बेवकूफ हो। हमें अच्छी चीज किसी से भी मिल रही है, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। जो सेकंड फेज है ना, जब मन और ब्रीदिंग को आप पकड़ना शुरू करेंगे, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, इसी को बढ़ाना है सर। और ये समझदारी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलती सर, ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती, ये समझदारी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। नहीं तो बाबा रामदेव इतनी ऊंचाई पर पहुंचता सर? ये राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और जैसे जैसे, और थर्ड फेज जो ध्यान का है सर, उस पर तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। थर्ड फेज तो अगर मैं बोलूं उसका तो मैं अधिकारी नहीं हूं सर। पर हां, सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल, आपकी अचीवमेंट देख के। दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही, तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? सर हम तैयारी करने आए थे, हमको भी नहीं पता था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो तो भला हो, हमारे मित्र हैं गोंडा के, हमारे साथ पढ़े हैं 12 साल तक, अतुल पांडे जी। मैं उनके यहां रुका था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया, महानगर में वो रहते थे, वो तैयारी करते थे। तो आजकल सेलटेक्स वो इंस्पेक्टर हैं यूपी में, लखनऊ में। तो उन्होंने हमको रात में प्रोवोक कर दिया, चलाने लगे, आईएस अवध प्रिपेयर, आईएस प्रिपेयर, आईएस प्रिपेयर। अरे हमने कहा यार हमसे प्रिपेयर आईएस। अब पता नहीं मोहब्बत थी उनको बेचारे को, हमको बचपन से मानते हैं, तो उस मोहब्बत में उन्होंने कहा कि प्रिपेयर यू प्रिपेयर। और फिलॉसफी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा लगता था। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। एक वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया। तो पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन ये है कि उस घर में कोई मरा ना हो। नहीं, आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त ने छोटी सी बात में ऐसा कह दिया तुमने,
उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी, मैंने घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे बच्चा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। तारिक फतेह की मैंने तारीफ कर दी, तारिक फतेह पता तुमको तारिक फतेह कौन है? भैया तो ठीक है, गलती हो गई, अब चलो ठीक है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? आई नो योर रियलिटी। अच्छा अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ाएगा सर, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। करो, कल पांडे सर ने आपसे कहा जो आदमी यमराज के सामने AK-47 लेके खड़ा हो, जजबा देखिए सर। कल एक भाई साहब ने किसी ने लिखा कि अरे ये क्या कोई यमराज, जज्बे की बात हो रही चचा, जज्बे की। बेहोशी में उस आदमी के पास इतना जज्बा है कि AK-47 लेकर वो यमराज के सामने खड़ा है। सर ध्यान करिए सर, सर इस देश में इतने विपासना सेंटर है सर, विपासना, इतने सारे विपासना सेंटर हैं। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते सर, ये विपासना सेंटर कोई चार्ज नहीं लगता सर, आप बस गूगल में डालिए विपासना, आपका कोई भी धर्म हो सर, आपकी कोई भी जाति हो, आप यहां जाइए सर, 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। आप नहीं जाना चाहते ना किसी गुरु के पास, आप यहां जाइए सर, अगर आप 10 दिन रुक गए ना सर, सिर्फ 10 दिन, घबराइए मत सर, अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर? सारा खेल मन का है, वही कमजोर मन। अब सर कुछ चीजों से डर तो लगता है सर, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत लगता है सर, कभी आप अगर मुझे देखें इंजेक्शन लगवाते तो सारी जो मेरी वो ज्ञान है वो वहां पर खत्म हो जाए। अपवाद हर आदमी के साथ है, पर ऐसा थोड़ी है कि यार इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लगवा लेंगे सर। खूब सोचते हुए जाते हैं और ऐसा हो गया, ये हो गया, और बिल्कुल एकदम, कई बार तो सर अपने आप को संभालना भी पड़ता है। ध्यान से, बहुत लोगों ने ध्यान से क्या होगा, ये होगा सर, पहले फेस में सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर, वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर, ये सेकंड फेस है सर, ये हम जानते नहीं लेकिन काम इसी पे करना है, लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है, इससे क्या पैदा होगा सर, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। आप डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां पढ़िए क्या सर, मतलब फिदा हो जाएंगे आप उस व्यक्तित्व पर। आप गांधी जी की कहानियां पढ़िए, आप कलाम की कहानियां पढ़िए, आप तो भाई साहब YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं, आप तो सूरज भान या ब्रज बिहारी, व्यू कितना है 53 करोड़, क्या करोगे जान के यार गैंगस्टरों के बारे में। आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स, 24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा, भले उसमें आप कुछ मत बोलो, सिर्फ वो वर्ड दोहराते रहो 5 मिनट तक, अब सेक्स पर बृहद चर्चा होगी, बस इतना कहते रहो, अब सारे राज खोले जाएंगे, उसी में 20 लाख व्यू हो जाएगा, भले लोग आपको गाली देगी बेवकूफ बना रहा हूं, कुछ तुमने बताया नहीं, ये है वो, ये आलम है। उसी YouTube पर गांधी के बारे में पढ़ा है, तुलसी के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, वहां व्यू चेक करो 5,000, 3,000, 2,000। और गुरु किसका चुनाव किसी के कहने पर, इस देश की एक और गंदी आदत कि वो जो है दुबे जी सदगुरु के यहाँ जाते थे और जो है उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, लड़के का भी हो गया और बड़ा पैसा कमाए, लो सब सदगुरु के यहाँ जाने लगे, ये पैरामीटर है इस देश में गुरु बनाने का, 4 लोगों से पूछकर जैसे ऑप्शनल चुनते हैं लड़के। भैया गुरु विवेकानंद की तरह चुना जाता है, अपनी मर्जी से। सदगुरु हैं, पंडित रविशंकर हैं, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, स्वामी अलगनानंद, बहुत सारे लोग हैं सर, पर वो आपकी चॉइस होनी चाहिए सर। लाहौर हमारी जमीन है भैया, हमारे एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। Why you went to Pakistan? मैंने कहा जी जमीन खरीदने गए थे। जमीन? वहाँ क्यों जमीन खरीदोगे? मैंने कहा इंडस्ट्री बनाएंगे, हमारी जमीन है। मैंने चलने का क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी, मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। मैंने कहा एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा हम पहली बार अमेरिका का वीजा मांगे, दिए ही नहीं, सब देते ही नहीं किसी को, अमेरिकन वीजा ही नहीं देते, और हमसे वैसे भी पाकिस्तान की मोहर लगी पासपोर्ट में। वाई यू वेंट टू पाकिस्तान? मैंने कहा जी जमीन खरीदने गए थे। जमीन? वहाँ क्यों जमीन खरीदोगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर दे विल नॉट अलाउ यू। हर दे विल अलाउ। वाई दे विल अलाउ? इट्स माई कंट्री, इट विल बी इंटीग्रेटेड, इट्स माई लैंड, India's land. How foolishly you are talking. Foolish? How can you say this? हमारी जमीन है. Oh, you are talking rubbish. तुम क्या चाहते हो? तुम जो आंसर सुनना चाहते हो वो बताएं.
हमारी जमीन है भैया, लाहौर हमारे एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। पुलिस वालों को बुलाए, टेक हिम आउट, अननेसेसरी टॉकिंग। मैंने कहा अजीब आदमी यार, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, अब मेरा जवाब सुनो। पुलिस वालों ने कहा क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी, मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। पुलिस वालों का एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा फिर मैंने उनको अमेरिकन हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 1787 से 1945 तक, डायग्राम वाइग्राम बना के दिया। ओ बोले वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, यू कम टू अमेरिका? अरे मैंने कहा जी बाबू जी, तुरंत वीजा दिया, वहाँ जातिवाद नहीं पूछते। कोलंबिया ही तो पहुँचे डॉक्टर अम्बेडकर, वहाँ किसी ने उनके साथ मना नहीं किया कि तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ये पागल हिंदुस्तानी, तभी तो भिखमंगे हैं। अभी इस वीडियो को मेरी निकालेंगे, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, ये देखो एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। जाके अमेरिका में भीख मांगते रहते हो दिन भर बैठ के, देखो कितनी इज्जत दिया उन्होंने टैलेंट को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो आदमी पढ़ा, पीएचडी किया, तो उन्होंने डीएससी भी करवाई, डॉक्टर ऑफ साइंस। बोले और पढ़ो, और तुम बहुत पढ़ने में तेज हो यार, और पढ़ो, यहाँ बेचारों को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, कहा अनटचेबल। तब पर्शियन पढ़ा वो आदमी, उसमें सबसे ज्यादा नंबर। ये सब तुमको बताया ही नहीं गया, ये तो तुमको भी अम्बेडकर से प्यार हो जाए, तुम किसी भी कास्ट के हो। टैलेंट से ही तो प्यार होता है, किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है, हम अगर अम्बेडकर से नफरत करते ना, यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाते। मैं यहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे पे बैठना पड़े पढ़ना है, क्योंकि वो आदमी तो बोरे पे बैठ के पढ़ा लपोली के स्कूल में। वहां से मुझे का वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस, मुझे भी किंग जॉर्ज के सामने खड़ा होना है। योर हाइनेस, हम राज्यसभा जाएंगे, 50,000 किताब पढ़ गया वो आदमी। उस आदमी की लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स। एक दिन 5 किताब पढ़ोगे तो महीने में कितना हुआ? 150। तो 10 महीने में कितना हुआ? 1500। तो एक साल में कितना हुआ? 1800। तो 10 साल में कितनी किताबें हुई? 18,000। 20 साल में कितनी किताबें हुई? 36,000। 50,000 किताबें उस आदमी की लाइब्रेरी में थी। तुम एनसीईआरटी पढ़ने आते हो कोचिंग? ये एनसीईआरटी मैंने ही शुरू किया था इंडिया में कोरोना के टाइम पे, फिर सबने मुझसे सीखा, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। मैंने कहा पढ़ाओ, यहाँ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आता है, भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। और वो आदमी 50,000, वो भी तब जब 50,000 किताब डूब गई थी समंदर में 1916, जब वहाँ से किताबें आ रही थी लंदन से। तुम ही लोग थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा भारत आजकल पढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। 10th के बाद तुमने छोड़ दिया, टीचरों ने कहा हिस्ट्री पढ़ने से कोई कोई नौकरी नहीं मिलती। ये बात उस टीचरों ने बहुत सही कही, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। फिजिक्स तुम्हें बेमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव को दिखाएगी तुमको कि ये क्लाइव शिराज के सारे आदमियों को अपनी तरफ मिला लेता है, दो लोग बसते हैं उनको मार डालता है, जीत जाता है बैटल। मीर जाफर को बुलाता है कि इधर आ, जी भैया। बोले ये शिराज को बाहर निकालो बैटल फील्ड से। बोले अभी निकालते हैं भैया। मीर जाफर जाके शिराज से कहता है तेरी जिंदगी खतरे में है। बोले अच्छा। बोले तू निकल जा। कहता मेरा बेटा तुझे सेफ जगह पे ले जाएगा, मीरान। शिराज मीरान के साथ जाता है, मीरान पीछे से तलवार मार देता है, शिराज खत्म। ऐसे लड़ाइयाँ जीती जाती है, ये बात न्यूटन के पहला लॉ थोड़ी बताएगा। और नया बात तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हो।
ना, ये बात तुमको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी, ये बात तो प्लासी पढ़ के ही समझ में आएगी ना कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है, जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबू जी, फ्री बिजली ले लो, फ्री खाना ले लो, फ्री दारू, दारू हर, मैं झूठ कह रहा हूं भैया, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई ये चीज तुमने सुन देखी नहीं अपने सामने, देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में बिजी थे, इधर हिस्ट्री पढ़े वाले थे, पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिनको नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि यार ये तो सही कह रहा है यार, बेमानी करनी पड़ेगी। वहां अमेरिका गए हम भी, वहां कोई किसी से बात ही ना करे, अब हमको और परेशान, कोई बात ही नहीं कर रहा किसी से। तब हमने एक नई ट्रिक निकाली, बैग लटकाया, डायरी ली, फिर अमेरिकन से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने कहा माय इंडियन स्कॉलर रिसर्च रिसर्चिंग योर कंट्री। ओह वेरी गुड, यस आस्क। मैंने पूछा योर डिसेंट कहाँ से आए थे? आवर एंसेस्टर्स स्पेन, स्पेन साउथ अमेरिका। ओह व्हाट यू आर टॉकिंग, सी यूरोपियन कंट्री। अच्छा यूरोपियन, यू आर टू वीक। तो बोले यू आर वीक, मैंने कहा टू, हाँ यस टू वीक। फिर मैंने कहा यार इनकी लड़कियों औरतों से भी बात करना है। मैंने कहा द हाईएस्ट विजडम इन द वर्ल्ड इज ऑफ अमेरिकन वुमेन। ओ या, फिर उनसे भी बात की। फिर जब वापस आ रहे थे तो डायरी का क्या करते, तो एयरपोर्ट के ऑफिसर को ले रख ले, व्हाट इज दिस, गुड योर कंट्री गुड, ओ यस यस। किसी से सीखना ही तो है। मुसलमान कहता है हम दूसरे की वजह से पिछड़े हैं, कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर लो, अपनी वजह से पिछड़े हैं। मुसलमान शब्द के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। आज गूगल पर टाइप करना हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज, हर दूसरा नाम यहूदी होगा। इनको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, अगर ये रिफॉर्म नहीं करेंगे तो 1870 में किताब आई, उसका नाम था इंडियन मुसलमान, उसके लेखक थे W.W. हंटर। और इस किताब में यह बात बताई गई कि भारत का मुसलमान बहुत पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? आरएसएस की वजह से पिछड़ा है। हाँ आरएसएस, बोले भैया अभी है नहीं, आरएसएस तो 1925 में पैदा हुई। यह इस देश के मुसलमान की सबसे बड़ी दिक्कत, वो अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार दूसरे को मानता है, और जो भी अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार दूसरे को मानेगा वो भीख मांगेगा। अब ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते, सारा दिमाग नेगेटिविटी से भर लेते तो पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को अपनी स्थिति का जिम्मेदार नहीं माना, खुद को, और फिर अपनी स्थिति को सुधार कर सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच गए। मुसलमान कहता है हम दूसरे की वजह से पिछड़े हैं। 1206 से 1707 मुसलमान शासक, 1857 से 1947 प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट, 1951 से लेकर 2014 मुसलमान शब्द के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, और तुम पिछड़ गए। तो इस किताब में दिखाया कि भाई मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, अपनी वजह से पिछड़े हैं, किसी की वजह से नहीं पिछड़े, अपनी वजह से। शिक्षा पे ध्यान दो, 10 साल चपक के बच्चों को निकाल निकाल घर से ले जाओ, पढ़ाओ, पढ़ाई कंपलसरी कर दो, देखो 10 साल के अंदर तुम्हारा पिछड़ापन गायब होता है कि नहीं गायब होता है। आज गूगल पे टाइप करना हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज, हर दूसरा नाम यहूदी होगा। ईरान को एक साइंटिस्ट से को मारे थे, रोबोट से मरवाए थे सब, रोबोट स्मगल करा दिया, खुद ही असेंबल कर लिया अपने आप को, इतनी हाइपर टेक्नोलॉजी उनके पास है। हिंदू धर्म परेशान हुआ पिछड़ा तो महमूद गजनी ने लूटा, तो फिर हिंदुओं ने रिफॉर्म किया तब मजबूत हुए। ईसाइयत पिछड़ी तो बारबरियों ने लूटा, फिर उन्होंने रिफॉर्म किया तब आज आगे हुए। ऐसे मुसलमान आज पिछड़े हैं, इनको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा,
अगर ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो हिंदू पिछड़े थे, कमजोर थे, तभी तो लूटे गए पंजाब से सोमनाथ तक, फिर उन्होंने रिफॉर्म किया, फिर ताकतवर हुए। जो भी पिछड़ा है इसका मतलब कमजोर है, रिफॉर्म कर ले, सुधार कर ले। कल मैंने तुमको तरीका बताया, तुमने लगाया, एक दिन में 1% सुधार हुआ, 10 दिन में 10% हो जाएगा, और 100 दिन में 100%, यानी 3 महीना 90 दिन मान लो, तो मैं कहता हूं 6 महीना। 6 महीने में क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा? तो इस किताब ने कहा, जो किताब थी इंडियन मुसलमान, इसने कहा कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए, गरीब है। तो अमरोहा के एक मुसलमान जज थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, उनको मुसलमानों की इस कंडीशन पर बड़ी दया आई। सर सैयद अहमद खान, इनको बड़ा दुख हुआ सर सैयद को, कि भाई हमारे कौम के लोग पिछड़े हुए हैं, तो हम अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इन्होंने सरकार से कहा कि साहब हम अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। बोले करो। तो 1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, 1875, उस कॉलेज का नाम था एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। यही एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बाद में बना AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दुनिया के एक अच्छे संस्थानों में उसका नाम है, अच्छी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यह बनी AMU बाद में। 1870 में क्या हुआ, किताब आई, 75 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार। बहुत बढ़िया कदम, बहुत प्यारा कदम, बहुत प्यारा कदम। मदरसा नहीं खोला सर सैयद ने, कॉलेज खोला। और कॉलेज में क्या किया जाएगा, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, किसको, मुसलमानों। दुनिया में जिसका भी कल्याण होगा शिक्षा से ही होगा। कबीर जुलहा है लेकिन आज तक पूजे जा रहे हैं, सिर्फ ज्ञान की वजह से, सिर्फ ज्ञान। इस दुनिया में जो भी भगवान बनेगा उसमें शिक्षा की भूमिका होगी। 1875 में सर सैयद ने एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की, किसके मदद से की, सरकार की मदद। सरकार अगर, मैं स्कूल खोलना चाहता हूं, अब यूपी गवर्नमेंट चाहे कल खुल जाए, इतनी जमीनें पड़ी हैं सरकार की, नजूल जिनको बोलते हैं। अभी कल यूपी गवर्नमेंट कहते हैं कि यार ओझा जी तुम ले लो यार, इलाहाबाद चाक घाट के बीच में ले लो 200 बीघा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जमीन ही है ना, ले दिया 200 बीघा। 12-15 पूंजीपतियों के यूपी को बोल दिया कि पैसा लगा दो यार, 50-50 करोड़ दे दो, 500 करोड़, 200 बीघा जमीन, 500 करोड़ पैसा। 6 महीने में स्कूल तैयार, सनातन शिक्षा केंद्र। अरे भैया जो पैसा देगा नाम भी तो उसी का ही रहेगा, हैं? पैसा जहां से आएगा, जमीन से जहां से आएगी, तो उसका नाम तो दिखाई पड़ना चाहिए। नाम से पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है। जमीन यूपी सरकार दे, पैसा यूपी के पूंजीपति दे, और हम लिख दें बिस्मिल्लाह संस्थान। बुलडोजर तो चल नहीं सकता क्योंकि मकान तो है नहीं, जेसीबी लगा खुदाई करवा डालेंगे जमीन पे कि 4 साल तक कोई काम ना हो। सरकार की मदद से अलीगढ़ खाली पड़ा हुआ था, कोयल नाम था उसका, खाली। आज भी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, और दिल्ली से करीब 100-150 किलोमीटर है। तो जमीन दे दी सरकार ने, हेलो जाओ बनाओ। अब सर सैयद जज थे, सरकार की मशीनरी में, और सरकार की मदद से स्कूल बना। तो जब सरकार की मदद से स्कूल बना, अब सर सैयद का झुकाव किधर होगा, सरकार की तरफ। और यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट की शुरुआत, यहीं से।